लाला पठानों द्वारा 1 करोड़ की फिरौती को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे अजय सोनी ने व्यवस्थित होकर अब इस लड़ाई को नहीं लड़ने का मन बना लिया है। इस लड़ाई में न तो मुझे पुलिस प्रशासन का साथ मिला है और न ही किसी जनप्रतिनिधि का साथ मिला है, उक्त बात अजय सोनी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। भय मुक्त सेवा संस्था पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में अजय सोनी ने बताया कि मैं और मेरा परिवार लाला पठानों से हार मान चुके हैं। लाला पठानों के खिलाफ लड़ते लड़ते अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई है। इस लड़ाई में हमारा साथ न तो पुलिस प्रशासन ने दिया और न ही सत्ता पक्ष सरकार ने और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने दिया है, इसलिए इस लड़ाई को यहीं खत्म करता हूं और आपराधिक लाला पठानों के सामने हार मानता हूं। और मेरे परिवार को बचाने के लिए अगर इनको फिरौती भी देना पड़े तो मैं इनको फिरौती देने के लिए तैयार हूँ। और उनसे राय मशवरा करने के बाद में मैंने लड़ाई को समाप्त करने का निर्णय किया है। मैं इस लड़ाई में जो भी कोर्ट में मेरा बयान देना है वो उसमें मैं बहुत पसंद देकर ये घोषणा कर दूंगा कि मैं लाला पठानों के खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देना चाहता हूँ और मैं किसी प्रकार की कार्रवाई इस केस में रखनी चाहता हूँ, क्योंकि इस केस को मैं पूर्ण रूप से खत्म कर रहा हूँ। इस केस को खत्म करने के लिए मुझे मजदूर और विवश हंसर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। हंसर पुलिस प्रशासन लगातार केस होने के बाद से मुझे दबाव बना रहा था कि मैं लाला पठानों से सदा समझौता कर लूँ और उनके खिलाफ गौरी न दूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़ाई को यथावत जारी रखा। उसका परिणाम ये हुआ कि मंदसौर पुलिस द्वारा मेरे पूरी जो दुकान थी उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगा गए। एसपी मनोज कुमार सिंह द्वारा मेरी दुकान पर बार बार किस योजना चलती है उसको लेकर कई प्रकार की झूठी जानकारियाँ दी गई, जिससे मेरा पूर्ण आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ मेरी दुकान का और मेरी दुकानदारी पूर्ण रूप से खराब हो गई। इस वजह से मुझे आर्थिक बहुत नुकसान हो गया। इसके बाद मैंने बाइक के ऊपर छोटे छोटे पत्र दर्ज करवाया, इसमें एक पुलिस का ड्राइवर गोलू है उसी से मेरे भाई के खिलाफ पत्र दर्ज करवा दिया। एक छुटका भाई चुनू लल्ला उसके नौकर से गिर मेरे भाई के खिलाफ दूसरा पत्र दर्ज करवा दिया और उस दोनों पत्रों के आधार पर मेरे भाई को जिला मदद कर दिया। मेरे भाई ने किसी प्रकार कोई अपराध में किसी प्रकार की सजा नहीं हुई थी, कोई प्रकरण के ऊपर विचाराधीन नहीं था। आज की तारीख में सभी प्रकरणों से वो गरीब हो चुका था। कुल 2 झूठे प्रकरण पुलिस दर्ज करे थे, उन दोनों को आधार बनाकर पुलिस ने कलेक्टर के साथ साठ गाट करके मेरे भाई का जिला बदल करवा दिया। और इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए मैं और मेरा परिवार अब सक्षम नहीं बचा है, इसलिए मैं इस लड़ाई को अब समाप्त कर रहा हूँ और मैं आगे इस लड़ाई को अब करना नहीं चाहता हूँ। मैं और मेरा परिवार इस लड़ाई से पूरी तरीके टूट चुका है और मेरे भाई को जिला बदल कर दिया और जिला बदल करने के बाद मुझे जाने खतरा है, क्योंकि सुरक्षा जो मिली थी वो भी छीन ली गई है। इस बीच में अगर उसके ऊपर हमला हो जाता है उसकी जान के ऊपर कोई बात आती है उसकी समझ जवाबदारी पुलिस प्रशासन एसपी मनोज सिंह की और उनके साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों की रही, क्योंकि उन्होंने दबाव में आकर उसको जिला बदल करा और उसकी सुरक्षा की उसकी छीन ली है। अब वो दूसरे जिले में जहाँ भी रहेगा उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी और इस बात का फायदा उठाकर लाला बदमाश पठान जो सिर्फ जान के दुश्मन बने हुए हैं वो कभी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। हमने पुलिस को इस बात की सूचना देखे हुए रहूँगा समझौता करने के लिए लाला पठान बस तैयार हूँ। लाला पठान जो फिरौती की 1 करोड़ रुपये मांग रहे हैं वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ और मैं लाला पठानों का 1 करोड़ रुपये फिरौती के दे के समझौता कर लूँगा। देखो पुलिस की मदद नहीं चाहिए, मेरे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं बची है, पुलिस मेरे किसी प्रकार सहयोग नहीं कर सकती है। पुलिस अगर सहयोग करती होती तो मेरे को आज स्थिति में नहीं पहुँचना पड़ता, इसलिए मैं आज लड़ाई को खत्म करके इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैं लाला पठानों द्वारा जो 1 करोड़ रुपये की फिरौती मेरे और मेरे परिवार को छोड़ने के लिए मानी जा रही है वो 1 करोड़ रुपये की फिरौती में उनको देके और इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और उनके खिलाफ कोर्ट में किसी प्रकार की गवाही नहीं दूंगा। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए मेरे को पूरा पूरा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है जिसने मुझे इस स्थिति पहुंचाया है। और मंदसौर प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने या किसी जनप्रतिनिधि ने इस लड़ाई में किसी प्रकार को सहयोग नहीं करा है, उन्होंने हमेशा ही पुलिस का और लाला बदमाश लाला पठानों का साथ दिया है जिन्होंने हमेशा गलत काम किए हैं। इस वजह से भी मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ और इस लड़ाई को समाप्त कर